गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है और इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल, ठीक है ना। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑफ सेल, ठीक है ना। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन रिप्लीकेट इंडिपेंडेंटली, रिप्लीकेट इंडिपेंडेंटली मतलब ये डिवीज़न शो करते हैं, सेल डिवीज़न शो करते हैं, ठीक है ना। एक से दो, दो से चार, इस तरीके से डिवीज़न शो करते हैं। कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस, जो भी हम इंफॉर्मेशंस हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस हैं, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में, डीएनए के अंदर जीन में, ये सारी इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट रहती है। देन दे परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, ठीक है ना। जितनी भी हमारी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उन सबको ये परफॉर्म करता है। देन दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होता है, दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स। दे रिप्लीकेट इंडिपेंडेंटली, दे कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस, दे परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, एंड दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल। Discovery of cell, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक ठीक है, रॉबर्ट हुक इन हिज एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या लिया, जो कॉर्क होती है, जो बार्क होती है, ठीक है ना, बाहर जो ट्री के बाहर जो लेयर होती है, बाग होती है, उस बाग की बहुत थिन स्लाइस ली और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। और जब उन्होंने उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया तो उन्होंने नोटिस किया कि इसमें स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और उन्होंने इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को कंपार्टमेंट कहा, ठीक है ना, क्या कहा, कंपार्टमेंट कहा। और इसके स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा कि रिजेंबल्स टू हनीकॉम, हनीकॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह भी, वो छत्ते को भी वो रिप्रेजेंट करता है, बीहाइव, ठीक है ना। फिर रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स, इन छोटे छोटे बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, सेल्स कहा। एंड द सेल इन द लेटिन वर्ड, लेटिन में सेल्स का मतलब होता है लिटिल रूम, क्या होता है, लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक इन हिज एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्या किया, ही एग्जामिन, उसने क्या, उन्होंने क्या किया, ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है ना, कॉर्क की थिन स्लाइस क्या किया, एग्जामिन किया अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने क्या किया, इसको एग्जामिन किया। तो एक कॉर्क क्या होता है, ये कॉर्क क्या है,
दे कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री, ट्री के बार्क से आता है, ठीक है ना। फिर जब उन्होंने इसको एग्जामिन किया तो व्हाट ही नोटिस, क्या नोटिस किया? दैट ही शो दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड, ठीक है। उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर, द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब, ठीक है ना। किसको रिजेंबल किया? हनीकॉम्ब को रिजेंबल किया। किसको रिजेंबल किया? हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे कैसे कंपार्टमेंट थे, जैसे कि इस तरीके से ना, लाइक दिस, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना, बीहाइव, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, ठीक है ना। तो कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने कहा किया, क्या किया? रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। क्या कहा रॉबर्ट हुक ने इसको? सेल कहा, ठीक है ना। और लैटिन में वर्ड सेल मींस लिटिल रूम, क्या बोलते हैं इसे? लिटिल रूम बोलते हैं, ठीक। तो दिस इज हाउ द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। सो आई एम अगेन रिपीटिंग इट, डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक इन हिज एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, ही एग्जामिंड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एंड दिस कॉर्क कम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट एंड रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेल कहा। इन द लैटिन द वर्ड सेल मीन्स लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665, ठीक है ना। तो ये था इसका थर्ड टॉपिक था, डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ मेजर डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेजर डिस्कवरी, ठीक है ना, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है ना। व्हाट रॉबर्ट हुक डिड? ही डिस्कवर्ड सेल, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था? सेल डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम इन कॉर्क स्लाइस। With the help of primitive, उस समय इस टाइप के primitive microscope थे, इतनी सारी discoveries नहीं हुई थी, तो primitive type of microscope के अंदर उन्होंने examine किया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, मैंने अभी आपको discuss किया, उन्होंने cell discover किया। उसके बाद आए second one, Leeuwen Hook, ठीक है ना। लीवन हुक आए 1674, ठीक। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया? ही डिस्कवर फ्री लिविंग सेल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, ठीक है ना, बाय इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि आपने देखा रॉबर्ट हुक ने कैसा माइक्रोस्कोप यूज़ किया, प्रिमिटिव, ठीक है। इन्होंने थोड़ा उससे इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया था। फिर आया थर्ड है आपका रॉबर्ट ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दी
और इन्होंने डिस्कवरी दी 1831। क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? ही डिस्कवर न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। देन फोर्थ, ठीक, फोर्थ में आप देखोगे सिचेल्डियन एंड सिज़वान, ठीक है ना। दे वर द टू साइंटिस्ट इन 1838 एंड 1839, ठीक है ना। दे हैव गिवन सेल थ्योरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज सेल थ्योरी। तो सिचेल्डियन एंड सिज़वान इन 1838 एंड 1839 दे हैव गिवन द सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल। दिस मीन्स दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग इट दैट सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल द प्लांट्स, सारे जो प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स, जो सारे प्लांट्स हैं और सारे एनिमल्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सिचेल्डियन सिज़वान इन 1838 एंड 39 दे हैव गिवन सेल थ्योरी। ऑल प्लांट्स एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। नाउ आफ्टर दिस द अनदर साइंटिस्ट वर्चौ, वर्चौ इन 1855, ठीक है ना। व्हाट ही डिड, ही एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी को, जो सेल थ्योरी है, उसको एक्सपैंड किया और कहा कैट ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या कहा उन्होंने? ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना। जो प्रेजेंट सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, वो उसमें डिवीजन हुआ होगा तो भी नए सेल्स बने। तो ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो व्हाट द वर्चौ डिड, ही वर्चौ ही एक्सपेंडेड द, ही फर्दर एक्सपेंडेड, वर्चौ व्हाट ही डिड, ही फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। एंड व्हाट ही सेड, he said the all the cell arises from the pre-existing cell। तो ये question आपके exam में आता है इस तरीके से कि what is cell theory, cell theory क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से question आते हैं। now after that पुरकुंजी, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। पुरकुंजी 1839। नागपुर कुंजी इन 1839 कॉइंड, व्हाट ही डिड, ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा उन्होंने? ही कॉइंड, कॉइन किया द टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, ठीक है ना। व्हाट द पुरकुंजी डिड, पुरकुंजी इन 1839 ही कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने एक, इन्होंने क्या किया, एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, किसके लिए? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म?
प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, है ना। प्रोटोप्लाज्म किसके बराबर है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल का, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो इसको पुकुंजी कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक, सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरीज ऑफ द सेल। वन मोर डिस्कवरी वॉज देयर एट लास्ट, दैट इज अर्नेस्ट रस्का 1940। ठीक है ना, वॉट ही डिड, ही बिल्ड अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वॉट ही डिड, ही बिल्ड अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है ना। एंड दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स। सेल्स का और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसको, उसके स्ट्रक्चर्स को समझने में हमें हेल्प, काफ़ी हेल्प की। सो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बाय अर्नेस्ट रस्का। ठीक है ना, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू सी दैट सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉक स्लाइज विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। देन लुविन हुक इन 1674 डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर बाई इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। देन रॉबर्ट ब्राउन 1831 ही डिस्कवर न्यूक्लियस। देन फोर डिस्कवरी सिचेलिन सिजवान इन 1838 एंड 1839 सेल थ्योरी वॉज गिवन। ऑल द प्लांट्स एनिमल्स आर कंपोज ऑफ द सेल्स एंड दैट द सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन वर्चाओ इन 1855 ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है ना, दिस वॉज द वर्चो, ही एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी एंड स्टेटेड दीज लाइन्स। देन पुरकुंजी इन 1839 ही कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूड सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। देन अर्नेस्ट रस्का 1940 ही बिल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज वेल एज इट्स ऑर्गेनल्स। नाउ there are two type of organism, multicellular organism and unicellular organism. ठीक है ना, now unicellular organism मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टूड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट मींस अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा, ये प्रोटोप्लाज्म है, सॉरी प्रोटोजोआ है, अमीबा जो कि प्रोटोजोआ है, पैरा अमेशियम, ठीक है ना, देन क्लमाइडोमोनास की एल्गी है, क्लोमाइडोमोनास एल्गी में आता है। ठीक है, देन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म, इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म मैनी सेल ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, ग्रुप टुगेदर एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस। In the body, to form various body parts. ठीक है ना, many cells group together and assume different functions
इन द बॉडी टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल फंजाई हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है ना, ये सब किस में आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है ना. अब आया आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है, ये तो आपका बेसिक डिफरेंस है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है ना. नाउ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे फीचर. सबसे पहला फीचर है सेल वॉल, ठीक है ना. सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता, ठीक है ना, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है शेप, ठीक है ना, आप शेप देखोगे, एनिमल सेल का राउंड है, इरेगुलर शेप, ठीक है ना, और प्लांट सेल का अगर शेप आप देखोगे, इट इज़ रेक्टेंगुलर फिक्स्ड शेप, ठीक है ना. सेकेंड था शेप, फिर आया थर्ड वैक्यूल, बहुत इम्पॉर्टेंट है वैक्यूल, ठीक है ना. यू सी दैट वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक, वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स हैं, एंड दीज आर वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर देन प्लांट सेल, एंड हियर यू विल सी दैट वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल आपका बीच में होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टेकिंग 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. सेल का 90% वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है. फोर्थ है आपका सेंट्रियोल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एनिमल सेल का, ठीक है ना. सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और इस सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना. तो प्लांट सेल्स में एब्सेंट है, ठीक, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं. देन ओनली लोअर लाइफ फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली लोअर लाइफ फॉर्म्स, लोअर प्लांट फॉर्म्स यहाँ पे आप देखोगे एब्सेंट है. फिर आया क्लोरोप्लास्ट, पता ही है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स तो हेटरोट्रॉप है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो एब्सेंट है, ठीक है ना. और प्लांट तो आपको पता ही है, प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है ना, दे आर ऑटोट्रॉप्स, तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, दे मेक देयर फूड देमसेल्स, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. फिर आया आपका मेम्ब्रेन, ठीक है ना, तो इसमें आप देखोगे मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ओनली सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे अगर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल वॉल भी है प्रेजेंट प्लस सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. फ्लैजिला, ठीक है ना, अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे तो मे बी फाउंड इन सम सेल्स,
यहाँ पे भी मे बी फाउंड इन सम सेल्स, ठीक है ना। उसके बाद आया लाइजोसोम्स, तो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और लाइजोसोम अभी मैं डिटेल में जब पढ़ाऊँगी तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड लाइजोसोम्स अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। हेयर लाइजोसोम्स यूजुअली नॉट एविडेंट, ठीक है ना। तो ये था हमारा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, सेल वॉल एनिमल सेल एब्सेंट, प्लांट सेल प्रेजेंट, शेप एनिमल सेल राउंड इरेगुलर शेप, प्लांट सेल रेक्टेंगुलर फिक्स शेप, वैक्यूल इन एनिमल सेल्स वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स मच स्मॉलर देन प्लांट सेल, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, वैक्यूल आई एम अगेन रिपीटिंग वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स मच स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, सेंट्रियोल प्रेजेंट एनिमल सेल प्लांट सेल नॉट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल एब्सेंट प्लांट सेल प्रेजेंट, मेम्ब्रेन ओनली वन मेम्ब्रेन हेयर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, फ्लैजिला मे बी फाउंड इन सम सेल्स एंड हेयर ऑल्सो इट मे बी फाउंड इन सम सेल्स, लाइजोम अकर्स इन साइटोप्लाज्म, लाइजोम यूजली नॉट एविडेंट, ठीक है ना। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। फिर इसमें टॉपिक है लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर, लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन सिंगल सेल। जिस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, ऐसा ही डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन इन लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ठीक है ना। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे, यू विल सी दैट ह्यूमन बॉडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि, ठीक है ना, आप देखोगे हार्ट, हार्ट क्या करता है, पम्प्स ब्लड, ठीक है ना। देन स्टमक डाइजेस्ट फूड एक्सेट्रा, सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो सिमिलरली अ डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन अ सिंगल सेल, इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर हमें सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे किस तरीके से देखने को मिलता है, सेल हैव गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, सेल में क्या होता है, स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। इन द सेल देयर आर द स्पेसिफिक कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गॉल्गी अपरेटस, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनिज्म, एंड दीज सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म
स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनिल्स भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे कि फॉर्मेशन न्यू मटेरियल, ठीक है ना, मेकिंग न्यू मटेरियल्स, ठीक। और क्या हो सकता है, क्लीनिंग अप द वेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है ना। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लाइक हार्ट पम्प्स द ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट द फूड, सिमिलरली इन द सिंगल सेल दे हैव स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट कॉल सेल ऑर्गेनिल्स, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग द न्यू मटीरियल और क्लीनिंग अप द वेस्ट एक्सेट्रा। सो सेल इज एबल टू, वी कैन से सेल इज एबल टू, सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट फंक्शन ड्यू टू दीज ऑर्गेनिल्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिल्स की वजह से सेल अपने सारे फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। दीज ऑर्गेनिल्स टुगेदर, क्या कहा मैंने, दीज ऑर्गेनिल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर हमें सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है, जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स के थ्रू स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड वी कैन से द सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन ड्यू टू दीज ऑर्गेनल्स, एंड दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।